आपने भी नया फ्लैट खरीदा है, लिविंग और डाइनिंग का स्पेस बहुत छोटा है, समझ नहीं आ रहा डिजाइन करें कैसे, तो पेन और कॉपी ले लो, आप और मैं मिलके आज पूरा डिजाइन करने वाले हैं ताकि कल से आप काम स्टार्ट करा सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, फ्लोर, वॉल, सीलिंग, एवरीथिंग, ताकि आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट स्टेप आता है स्पेस प्लानिंग। सबसे पहले आपको अपने स्पेस को प्लान करना है। कुछ गलतियां जो यहाँ बिल्कुल नहीं करनी, एल सोफा मत रखना। एल सोफा आपके कॉर्नर को वेस्ट करता है एंड वो आपकी एरिया को डिफाइन करता है, जिसकी वजह से आपका एरिया और ज्यादा छोटा नजर आता है। ट्राई कि आप 3 सीटर या 2 सीटर लेके एक अच्छी सी रिक्लाइनिंग चेयर दे पाए। सेकेंड, पूरा बिल्कुल नहीं भरना, एक रूल फॉलो करना है 30 और 60 का। 60% आपका ओपन स्पेस होना चाहिए, 30% आपका कवर स्पेस होना चाहिए। थर्ड गलती, कोई भी पार्टीशन ऐड करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी स्पेस छोटा है। अगर आपने पार्टीशन ऐड किया तो आप ऑलरेडी एक स्पेस को डिफाइन कर रहे हो जो देखने में और ज़्यादा छोटा लग सकता है। फोर्थ, डाइनिंग टेबल ऑफकोर्स चाहिए होगी आपको। अगर स्पेस कम है तो ट्राई करो कि आप 4 सीटर डाइनिंग टेबल रख लो। एंड ऐसा है कि यार एक प्रॉपर स्पेस डाइनिंग का नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में आप ऐसे एल डाइनिंग का प्रोविजन कर सकते हो। फिफ्थ, ऐसे फ्लैट्स में ना मंदिर के लिए अलग से स्पेस नहीं दी जाती, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, मंदिर को टीवी के साथ कंबाइन कर सकते हो। जस्ट अपना नॉर्थ कहाँ पे है वो देख लेना। अगर बाय एनी चांस नॉर्थ और टीवी आपका सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे आप टीवी के साथ मंदिर भी प्लान कर सकते हो। स्पेस प्लानिंग होगी। अब बात करते हैं वॉल कलर की। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोटा रूम इज इक्वल्स टू न्यूट्रल्स, बिकॉज न्यूट्रल्स क्या करते हैं, हल्के कलर्स ना लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रूम देखने में और ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। तो हमेशा ट्राई करो बेज के, वाइट के या फिर ग्रे के, जितने भी लाइट शेड्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको इसी टाइप के शेड्स यूज़ करने हैं अपने बेस कलर में। अब यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, फर्स्ट गलती, एक वॉल को डिफरेंट कलर या डार्क कलर का नहीं करना। आपको किसी भी वॉल को अलग से चमकाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड, वॉल कलर को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिवाइड करने की भी बिल्कुल नीड नहीं है, सारी वॉल को सेम बेस कलर का आपको रखना है। थर्ड गलती, सीलिंग को और वॉल्स को सेम पेंट नहीं करना। जब भी हम सेम पेंट करते हैं तो हमारी हाइट देखने में कम लगती है। इट्स बेटर कि हमें छोटे रूम में एक हाइट को एलिवेट करना है, इसलिए हम सीलिंग को वाइट रखेंगे एंड बाकी वॉल्स को जो आपने कलर चूज किया है वही कलर का हम रखेंगे। अब यहाँ पे जो पेंट है वो बहुत सारे टाइप के आते हैं, मैट, ग्लॉसी, साटिन, शीन, तो आपको क्या चूज करना है। रूम बहुत छोटा है, जो फिनिश लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन वो एक प्लास्टिक पेंट दिखाई देता है, एंड मैट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों में से कोई भी आपको यूज़ नहीं करने, बेस्ट है आप साटिन या फिर शीन यूज़ कीजिए, जिसमें हल्की शीन है, हल्का ग्लॉस है, हल्का मैटपन भी है, तो ये आपके रूम के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, अब हम करेंगे एक वॉल को हाईलाइट। अब चाहे घर छोटा है लेकिन हमें तो उसको एनहांस करना ही है। एक वॉल को सजाने के लिए जो आपके सोफे के पीछे वॉल है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन अगेन आपको बेस कलर का ध्यान रखना है। कलर थीम से आपको बिल्कुल भी नहीं पीछे हटना। अब यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए अगेन हम यूज़ करते हैं 60 और 40 का रूल, यानी कि 60% आपकी जो वॉल रहेगी वो वही रहेगी जो आपने बाकी 3 वॉल पे यूज़ किया है, एंड 40% आप इस वॉल पे एक ऐसा एलिमेंट यूज़ करोगे जो इस वॉल कलर से डिफरेंट है एंड आपके रूम को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे आप लूअर्स, मोल्डिंग्स, कुछ इस टाइप के डिजाइंस ले सकते हो। क्या नहीं करना, पूरी वॉल पे वॉलपेपर नहीं लगाना, ही आपको पूरी वॉल को अलग से मार्बल या फिर लैमिनेट से हाईलाइट करना। हमें बहुत सिंपल सोबर डिजाइन रखना ताकि हमारा जो रूम है वो हाईलाइट हो पाए। एंड इस केस में ना मोल्डिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है और जो बहुत अच्छा भी है। आप मोल्डिंग यूज कर सकते हो ताकि हम वॉल पेंट को सेम रखें, बस एक टेक्सचर ऐड हो जाए जो बहुत अच्छा लुक दे सकता है आपके लिविंग रूम के अंदर। एंड आपकी डाइनिंग वॉल की वॉल है उसको भी अलग से हाईलाइट करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, जो आपने मटेरियल अपने बैक वॉल पे यूज़ किया है, सोफे के बैक वॉल पे, कि मटेरियल हम लेके जाएंगे अपने डाइनिंग के बैक वॉल पे ताकि सिमेट्री हो। जब हम एक ही रूम में सेम पैटर्न्स यूज़ करते तो हमें रूम देखने में अपने आप बड़ा दिखाई देता है। अगर आपने एक छोटे से एरिया में बहुत सारे पैटर्न्स भर दिए तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नज़र आएगा। तो आपको डाइनिंग
जो एरिया है उसके पीछे भी सेम मटेरियल यूज करना, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, एंड वहाँ पे आप पेंटिंग्स, मिरर्स, कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स ऐड करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे सकते हो। अब आती है फोर्थ बारी टीवी की। टीवी का साइज आज भी लोग गलत सेलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में पैनल इतना सा है एंड टीवी इतना बड़ा है, जो देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है एंड अगेन आपकी लिविंग की जो लुक एंड ब्यूटी है उसे डाउन कर देता है। तो आपको करना क्या है, एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, जहाँ पर बैठ कर टीवी देखना है वहाँ से आपका टीवी का डिस्टेंस आप मेजर कर लो। सपोज आपका डिस्टेंस है 10 फीट का, कन्वर्ट करो इंचेस में 120 इंचेस। लिविंग रूम के लिए हम डिवाइड करते हैं 2 से एंड बाकी बेडरूम्स के लिए 2.4 से। तो लिविंग रूम के लिए आपको 2 से डिवाइड करना, यानी कि 60 इंचेस का आप यहाँ पर टीवी दे सकते हो। अब जो पैनल बनाओगे 60 इंचेस आपके टीवी का साइज है, लेकिन जो पैनल का साइज होना चाहिए वो आपकी टीवी से एटलीस्ट 1 फिट दोनों साइड बड़ा होना चाहिए, ताकि आपका जो टीवी यूनिट है, जो भी आपने प्लान किया है, वो विजिबल हो एंड आपको देखने में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना लगे कि इतने से पैनल पे जबरदस्ती एक बहुत बड़ा टीवी लगा दिया, तो ऐसा फील आपको नहीं आना चाहिए ऊपर। अब सोफे का कलर बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सेम फैमिली में ही जाइए कि वाइट है तो वाइट सोफ़ा ही लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो आपको कलर सेलेक्ट करने हैं लेकिन इंग्लिश टोन्स, यानी कि पाउडर ब्लू, ब्लश पिंक, सेज ग्रीन, जिसमें हल्का सा कलर भी आए एंड बहुत लाउड और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो। एंड ट्राई कीजिए कि छोटे रूम के अंदर ना आप सोफे के अंदर डिफरेंट कलर मत डालिए। सोफे को अगर आपने रखा है सेज क्रीम तो आपने अपने डाइनिंग को रखा है ब्लश पिंक, ताकि कॉन्ट्रास्ट बन जाए। बट ऐसा मत करो कि आधा सोफा ग्रीन है आधा सोफा आपका पिंक है, तो वो बहुत ज़्यादा टू मच है एक बहुत छोटे एरिया को हाईलाइट करने के लिए। तो आपको डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज में। सिक्स्थ विंडोज, अगर कोई भी विंडो आ रही है जिसका साइज बहुत छोटा है तो उसको कर्टेंस लगा के आपको हाईलाइट नहीं करना। ट्राई करो कि ब्लाइंड्स यूज करो एंड सेम मटेरियल के या फिर सेम कलर टोन के, ताकि वो मर्ज हो जाए उस वॉल के अंदर, बहुत ज़्यादा उभर के बाहर नहीं आए। अगर बहुत बड़ी स्लाइडर्स हैं एंड बहुत बड़े डोर्स हैं उस केस में आप सीलिंग से कर्टेंस को हैंग कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आपको देगा। 8 टीवी यूनिट। अब टीवी यूनिट इतना ध्यान रखिए कि जो आपका फ्लोर का एरिया है वो थोड़ा खाली रहना चाहिए, यानी कि आपका जो यूनिट की ड्रॉर्स हैं वो आपकी स्कर्टिंग से एटलीस्ट 1 फिट ऊपर हो। सेकंड चीज़, अगर आपको सेटअप बॉक्स रखना है तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न हो, आपके जो वायर्स हैं वो आपको नज़र ना आए। इस केस में आप ओपन शेल्फ का यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप ग्लास ड्रॉर्स का यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका साइज़ है वो बहुत मैटर करता है, तो आपके टीवी से आपका जो टीवी पैनल का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। एंड इसके साथ अगर आप अपना वो प्लान कर रहे हैं मंदिर, तो ट्राई कीजिए मंदिर का लेवल और आपके ड्रॉर्स का लेवल वो सेम हो, ताकि ज़्यादा चीज़ें एलिवेटेड ना हो, सब कुछ सेम लेवल पे होना चाहिए। मंदिर वाला एरिया बहुत हैवी ना हो जाए, इसलिए आप ना मंदिर के अंदर ग्लास के डोर्स या फिर CNC कटिंग के डोर्स यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड डोर्स यूज़ मत करना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बंद बंद हो जाएगा। थोड़ा सी ओपननेस दिखाने के लिए ग्लास या फिर CNC कटिंग के डोर्स यूज़ कर सकते हो। 9th, फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट, बहुत सारे लेवल्स में प्लेन नहीं करना, जितना प्लेन रखोगे उतना ज़्यादा आपका फॉल्स सीलिंग अच्छा लगेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स आप यूज़ कर सकते हो, प्रोफाइल, मैग्नेट, ट्रैक, COBs, पैनल्स, तो वो बहुत अच्छा लुक देती हैं। एंड साथ साथ अगर बहुत लोगों को पसंद है डाइनिंग के ऊपर ना एक अच्छा सा वुडन सीलिंग देना, तो वो भी आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। जितना प्लेन आप कोव के ज़रिए अपने डाइनिंग को थोड़ा सा एलिवेटेड कर दीजिए तो वो बहुत अच्छा लुक देगा, लेकिन बहुत डार्क वुडन सीलिंग आपको नहीं करनी है। पेंडेंट लाइट्स का यूज़ कीजिए, शैंडलियर की स्पेस तो शैंडलियर ऐड कर सकते हैं। एंड आपका जो डाइनिंग का स्पेस है उसमें सेंटर में फ़ैन दे के साइड में आप पेंडेंट्स डाल सकते हैं, ताकि एक बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए, लाइट्स आपके घर में बहुत अच्छी जान डाल सकती हैं। 10th एंड द लास्ट स्टेप, कारपेट्स। अब कारपेट्स लोगों को बहुत पसंद होते हैं एंड लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन छोटे एरियाज में क्या होता है, कारपेट आपकी एरिया को डिफाइन कर देते हैं। अगर आप डिफाइन करना नहीं चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अवॉइड कारपेट्स अगर आप कर सकते हो तो। अगर सपोज आपको कारपेट अवॉइड नहीं करने, तो उस केस में जो आपके सोफे की सेटिंग है,
जहाँ तक आपकी सिटिंग है बस वहीं तक आपका कारपेट आना चाहिए, उसके बाद जितना भी वॉकवे है या आपका डाइनिंग स्पेस है वहाँ पे आपका कारपेट नहीं होना चाहिए, जिससे ना कारपेट एरिया को डिफाइन करता है। जितना कम कारपेट होगा उतना ज़्यादा आपका एरिया देखने में बड़ा लगेगा। आई होप ये 10 टिप्स आप फॉलो करने वाले हो, आपने सब कुछ नोट डाउन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।